नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम लोग देखेंगे माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक इन और आउट व्यापार का। कोई भी व्यापार हो, चाहे कपड़े के व्यापारी हो, चाहे आप क्लॉथ स्टोर हो या एक सवाई जुट, कोई भी किसी भी शॉप का रिटेल काउंटर हो, उसमें आप क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है, मतलब कौन सा स्टॉक हमारा खत्म हो गया और कौन सा स्टॉक है, उसको रिपोर्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, तो रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों कि आपके व्यापार को तरक्की की ओर लेके जाना है या सक्सेस की ओर लेके जाना है, या फिर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको रंग में दिखाना है, रंग लाना है उसका, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार सामान को नहीं बेच सकते, लेकिन यूजर की आवश्यकता के अनुसार आपको सामान को रख को बेचना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी अवेलेबल स्टॉक है और कौन सा स्टॉक आपका खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के लिए आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आपको हम बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको शिफ्ट प्लस या थ्री स्टॉक इन और आउट का एक पॉपअप है, लिंक है। आप यहां पर जाकर स्टॉक इन और आउट, इन का मतलब है और आउट का मतलब खत्म हो गया है, क्या स्टॉक खत्म हो गया है हमारा, हम इसको फिर से परचेजिंग के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर स्टॉक इन बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारे के सारे यहां पर दिख रहे हैं सारे आइटम, और यहाँ पे विथ क्वांटिटी दिख रहा है कि आपके पास इतनी क्वांटिटी में है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं कि हमारे पास स्टॉक में कौन कौन से नहीं है, तो आप यहाँ पे आके देखिए स्टॉक आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना स्टॉक खत्म हो चुका है, जैसे सपोज भाई आपने 50 पीस कोई आइटम खरीदा था और उस 50 पीस आइटम को खत्म जब हो जाएगा, या फिर अलर्ट के रूप में अगर आपने वहां पर रखा हुआ है कि 2 पीस रहे तभी हमको अलर्ट दे दे, तो अगर ऐसा देखना चाहते हैं आप, तो आप यहां से ये देखिए स्टॉक की रिपोर्ट आ जाएगा कि स्टॉक आउट रिपोर्ट, मतलब आपके पास से स्टॉक खत्म हो गया है, आप इसको फिर से रीऑर्डर करिए, परचेज करिए। तो हम एक सबसे पहले स्टॉक फिर से देखते हैं और उसको सेल करके आपको हम दिखाते हैं कि अगर खत्म होने के बाद कैसे वहाँ पे रिपोर्ट दिखेगा दोस्तों। तो जैसे हमने यहाँ पर पोलो टी शर्ट है 0004 है और 80-90 क्वांटिटी में है, तो हमने यहाँ पर ये देखिए सेल पे चले गए, और सेल पे जाने के बाद यहाँ पे 0004 करके हमने स्कैन कर लिया और यहाँ पे 89 की क्वांटिटी में वो था, हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया और यहाँ से 24,600 और इनको पे करना है, तो 24,600 हमने यहाँ पर इस तरीके से कार्ड में पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद 0004 था तो मतलब इसका स्टॉक हमारा अभी जीरो हो गया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्टॉक इन में स्टॉक आउट रिपोर्ट देखते हैं, तो स्टॉक आउट में देखिए आ गया ये पोलो टी शर्ट आपका 0004 है कि ये स्टॉक खत्म हो गया, आप इसको रीऑर्डर करके मंगा लीजिए। लेकिन फिर अगर हम स्टॉक इन रिपोर्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो दिख रहा था पोलो वाला वो टी शर्ट का 0004 0004 यहाँ से निकल के स्टॉक आउट वाले में चला गया है कि आप वहां से स्टॉक को अभी आप मंगा सकते हैं अपने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अपने स्टॉक को इन में है तो कैसे चेक करना है, उस रिपोर्ट को अगर खत्म हो गया है तो कैसे चेक करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में कुछ नए ट्यूटोरियल के साथ और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।